नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। बलिया जनपद के बैरिया विधायक कि जो अपने आप बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, राहुल गांधी को रावण और प्रियंका को सूर्पणखा बताया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रावणी संस्कृति का जो प्रजातांत्रिक युद्ध होने वाला है उसमें जैसे रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा को भेजा था, उसी तरह राहुल ने भी प्रियंका को डंका बचाने के लिए भेज दिया है। प्रियंका को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के सवाल पर बीजेपी विधायक ने कहा कि अब कांग्रेस टूटी हुई नौका हो गई है, वह तो केवल SC ST एक्ट के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत गई, नहीं तो उसे कहीं भी चंदन नहीं लगने वाला है। जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो रावण अपनी बहन सूर्पणखा को भेजा था, लगता है राहुल रावण के रोल में होगा और मोदी राम के रूप में। राहुल रूपी रावण अपनी बहन सूर्पणखा को उतारा है। मान लीजिए लंका विजय हो गया, राहुल तो अपनी अयोग्यता पहले ही सिद्ध कर चुका है कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है, तो भाई बहन मिलकर लड़ेंगे। आगे कहा कि अब बहन आ गई है तो रावण वांड्रा अब गांधी बेनोई को भी उतार लीजिए, गांधी की टाइटल रूपी टोपी मिल गई है, जो लगा ले वह गांधी बन जाएगा। अरे होटल और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग भारतीय संस्कार की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे तमाम बातें कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। रेखा कौन है विधायक जी? अरे सूर्पणखा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहन है तो मैंने रावणी संस्कृति के जो प्रजातांत्रिक युद्ध होने वाला है उसमें जो है मान लीजिए कि बहन को भेजा, जैसे सूर्पणखा को रावण भेजा था तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है, तो भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे, तो भाई बहन क्या लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दिए मेरे भाइयों, तो अब भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ है। इसलिए संदेह की बात मत समझिए, मोदी जी फिर जो है 2019 के हमारे सितारे हिंद हैं और जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उसमें संदेह की बात नहीं, औपचारिकता है। कुछ चाहे भाई बहन, वही गजब तमाशा है देश का, मानिए प्रजातंत्र है कौन, या तो महासचिव कौन में बहन बनेगी, अब इसका और भी कोई नाती पोता हो रावण बहनोई को बना लीजिए, अभी एक को क्यों कमजोर करेंगे, तो अब बहन आ गई उसके बाद बहनोई को उतारेंगे। रावण वांड्रा गांधी, एक गांधी का टाइटल ऐसा टोपी मिल गया है कि सब लोग लगा लेंगे तो गांधी जी हो गए। अरे बोटी और बोतल की जीवन जिंदगी जीने वाले लोग, बोटी और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, होटल और बोतल में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कार की रक्षा नहीं कर सकते। भारतीय संस्कारों की रक्षा तो मोदी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, योगी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, आज जो हो रहा है दुनिया में देखिएगी दुनिया। ऐसी तमाम खबरों देखने के लिए बने रहे हमारे साथ आईवी इंडिया न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।